महिलाओं को या किसी और को किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, उसमें भी 3 मिनट निकल जाते हैं। तो बहुत अनुग्रहित हैं कि आप आए हैं, हमको धन्यवाद दीजिए। ठीक है ना अजीत, ठीक है ना, इतो देते है ना। नमस्कार, कुमार जी के संगीत विचार से मेरा परिचय हुआ तो मेरी अवस्था 9 साल की थी। उन दिनों मुझे पिताजी के परिचित महानुभावों के उनसे स्वाक्षरी और संदेश मांगकर मेरी छोटी सी वासरी में जमा करने का शौक था। पूरा देशपांडे ने मेरी उम्र को देखते हुए फौरन लिखकर फिर साहिब ने पढ़ा, संदेश काय द्यावा संदेश नित्य खावा। कुमार जी को जब पूछा तो उन्होंने 2 घंटा होमवर्क किया और लिखा, कला का स्वाद लेना संपर्क पर निर्भर है। कलाकृति का निर्माण करना भी आसान है मगर कला का मर्म समझना महाकठिन है। इस संदेश का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में ताजा है, इसका मर्म पूरी तरह से मैं सुलझा पाया हूं ऐसा मुझे लगता नहीं। कुमार जी ने उपस्थित किया हुआ प्रमुख प्रश्न जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, जिस पर विचार आज भी माने रखता है, वह कहने के पहले मैं कुछ सांगीतिक तथ्यों पर कटाक्ष करना चाहता हूं। दुनिया भर की विशिष्ट विभिन्न संस्कृतियों ने, विशिष्ट संस्कृतियों में जिनकी परवरिश हुई हो, ऐसे गायक वादक रचनाकारों ने सुरों को दिए हुए संदर्भ कॉन्टेक्स्ट ही स्वर संगतियां होती है, ये प्रतिष्ठित स्वर संगतियां होती है। स्वाभाविक है कि यह संस्कृति सापेक्ष यानी कल्चर स्पेसिफिक होंगी, चाहे वह पाश्चिमात्य संगीत का हारमोनी एवं काउंटरपॉइंट को उत्कर्ष पर ले जाने वाला सिंफनी संगीत हो या अपने उत्तर भारतीय संस्कृति में पंपा राग संगीत हो। हमारे इस संगीत में यह स्वर संगतियां बंदिशें तथा उनकी बढ़त में पाई जाती है। हमारे राग संगीत में पाए जाने वाले घराने अपनी विशिष्ट स्वर संगतियों के उपयोग से अपनी राग व्यवस्था की संस्कृति स्थापित कर उसका निर्वाह करते हैं, पोषण भी करते हैं। विशिष्ट घरानों के संस्थापकों ने अनुभूत किए हुए या खोजे हुए सुरों के संदर्भ उन घरानों के अनुगामियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरणित होते हुए निश्चित हो जाते हैं। स्वर संगतियां मुख्यतः उनमें स्थित सुरों की संख्या, उन सुरों की लंबाई और एक दूसरे के साथ उनका अंतर और साथ में उन सुरों का अंतर, सुरों का अपना अंतर कहिए या अंतर्मन कहिए, वह गायक की संवेदना से ही रूप धारण करता है। कुमार जी के बाल्यकाल में घरानों की एक दूसरे से विभिन्नता संपर्क माध्यमों की अनुपस्थिति से अधिक सुस्पष्ट थी। कुमार जी ने प्रमुखता से आगरा किराना और जयपुर घराने के राग संगीत में पाई जाने वाली स्वर संगतियों का अवलोकन एवं ग्रहण किया, यह उन्होंने देवधर जी के मार्गदर्शन में किया। ग्वालियर घराने के शाखा संपन्न विस्तीर्ण वटवृक्ष पर अपनी मचान तानकर पालथी मारकर अपनी सांगीतिक जड़ों को दृढ़ सुस्थिर करते हुए उन्होंने इन अन्य घरानों के सौंदर्य मूल्यों को परखा। परखने से मेरा मतलब है कि घराने में पाई जाने वाली स्वर संगतियों को उन्होंने निस्संदेह स्वीकार नहीं किया। इन स्वर संगतियों में पाए जाने वाले सुरों के आपसी संबंधों की सुसंगतता उन्होंने अपने तर्क और सौंदर्य भान की कसौटी पर की।
जो सरस संगतियां उन्हें अस्वाभाविक लगी शायद समय के चलते गायकों द्वारा शक्ति लिए व्यक्त हो चुकी हो, कुमार जी ने उन्हें स्वाभाविक बनाया। अवश्य ही कुमार जी के सरस संगतियों के स्वाभाविक होने की समझ आगे जाकर लोक संगीत के अनार राग मासूम जोड़े से उनका परिचय होने से अधिक परिपूर्ण पुख्ता हो गई है। उनकी सांगीतिक उम्र उनके समकालीनों से बहुत अधिक थी। अपने समकालीन गायक जिन्हें खो बैठे थे ऐसे कुछ लुप्त स्वर संगतियों को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, साथ साथ उन्होंने जिन परिष्कृत प्रचलित रागों की धुनें लोक संगीत में प्राप्त नहीं होती है उन रागों में धुन की संकल्पना प्रस्तावित की, जैसे बिहार कई बार कुमार जी को सुनते हुए मैंने गौर किया था कि गाते समय राग विस्तार की संभावनाओं को शक्यताओं को टटोलते हुए अचानक कोई नई स्वर संगति उनके सम्मुख आ ठहरती जो शायद रूढ़ राग रूप को बिगाड़ दे। ऊपरी तौर से देखने पर ऐसे सुनने पर ऐसे लगता था, परंतु कलात्मक ढंग से ऐसी स्वर संगति को वे राग की सुंदरता पर लगे हुए दिठौने में परिवर्तित करते थे जिससे राग का सौंदर्य अधिक निखर उठता था। उनका यह तिरोभाव का चकमा देने वाला स्पर्श राग की व्याप्ति बढ़ाता था। कुमार जी ने तिरोभाव को सम्मान दिया, उसके गरिमा से अपना गायन समृद्ध किया। एक राग में पाई जाने वाली अनेक बंदिशें विभिन्न तिरोभाव और संवेदनाएं जिनमें सुरक्षित रखी हो ऐसी संतुकी ही तो होती है। एक रागों में तिरोभाव दर्शाने वाली अनेक बंदिशी सुनाने वाले अपने समकालीनों में एकमात्र कुमार जी। याद आया, बंदिश में प्रतीत होने वाले राग के चलन को ही राग रूप मानने वाले, बंदिश के चलन में प्रतीत होने वाले राग रूप को ही सही राग रूप मानने वाले जयपुर घराने के गायक एक राग में सहसा एक ही बंदिश गाते। अब राग प्रथम, जैसे कि अशोक जी ने भी कहा, राग प्रथम एवं नग्न अवस्था है सुरों की। बंदिश राग का कपड़े पहनाकर किया हुआ श्रृंगार है, यह उनका महत्वपूर्ण संगीत विचार है। नाविन्य या नवीनता की चाहत में उन्होंने कभी राग का स्केल नहीं गाया, उसकी चार गेट जीआईटी गेट अधिक लचीली बनाई। क्या किसी गायक ने ऐसे सोचा है कि किसी के निश्चित किए हुए राग रूप के अनुसार अनुशासित या रचनाबद्ध होने के अलावा सुरों को कुछ अपनी बात भी कहनी होती है? तो उत्तर में नाम आता है कुमार गंधर्व का। कुमार जी एक निर्गुण पद गाते थे, लागी हो सो जाने शब्द की, लागी हो तो जानिए मारा भाई, मारा भाई। मैं कहता हूं कि लागी हो सो जाने सुरन की, अपनी स्वर संगतियां गाकर कहने में यानी ही उनके कहन में उन्होंने अत्यंत सजगता से आघातों को उपयोग में लिया। संगीत में आघातों का महत्व उन्होंने अधोरेखित किया। बंदी से बात कर, इस विषय पर बंदी से बात कर, संगीत का महत्व उन्होंने अधोरेखित किया। आघात लीला का बखान करने वाली उनकी स्वरचित बंदिशें भी हैं। उनके द्वारा किए गए आघात कभी कठोर तो कभी मृदु, कभी टणत्कार तो कभी भंगुर तरंग होते थे। अपने प्रवाही स्वर शिल्प को वे आघातों से तराशते रहे। शिव शरज की प्रत्यंचा तान कर कभी वे श्रोताओं को सुरविद्ध कर घायल कर देते थे, तो कभी शरद से सुरों की पुष्पवृष्टि कर श्रोताओं को उसकी सुगंध से सहला देते। और एक अस्त्र उनके और दो अस्त्र उनके अस्तित्व में छिपे हुए थे। पहला था स्वर वाक्य में आघात स्थानों के ठिकाने बदलते रहना, दूसरा ताल के आवर्तन में नए आघात स्थान ढूंढ उन्हें स्थापित करना। इन अस्त्रों का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया में वे नए स्वर वाक्य तो बना ही लेते थे,
साथ साथ परिचित स्वर वाक्यों में सुप्त और लुप्त अर्थ छटाओं को भी उजागर कर देती है। प्राप्त समय सीमित होने से हमें कुमार जी के ख्याल प्रस्तुति के विचार पर 60 और 70 के दशकों में उठाए गए कुछ लोगों के आक्षेपों पर टिप्पणी करूंगा। इनमें कुछ उनके समकालीन थे और जिसमें वामराव देशपांडे और मामा साहेब मजुमदार भी थे, शारदा में उन्होंने लिखा है। वैसे मैं सब अच्छे तो नहीं कहूंगा पर शुभ दिन आए हैं, क्योंकि कदापिनी और भुवन और मधु सब जगह देश भर में कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान उनकी स्मृति और उजागर कर रहा है और उनके संगीत पर विचार हो रहा है। ऐसा भाग्य बहुत कम कवियों को मिला है भारतीय संगीत के इतिहास में। तुम भी तो बोल रहे हो हर जगह। हाँ राजयोग से जाने शब्द सुरन की नहीं और समय बचा, फिर भी समय बचा तो उनकी उनसे मिली हुई तालीम और उसका मुझ पर क्या असर हुआ, इस पर बात करूंगा। पर कुल शुरू से लेकर कुल मेरा प्रेजेंटेशन 22 या 23 मिनट रहेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। एक जमा शायद जब ये आक्षेप उन पर लिए गए उनके बुजुर्गों द्वारा और कुछ समकालीनों द्वारा, तभी कुमार जी के संगीत यात्रा का एक वो पड़ाव भी हो सकता है। बहुत अधेड़ उम्र में अपने सौंदर्य मूल्य निश्चित करके जिंदगी भर उन्होंने निर्वाह नहीं किया, जैसे अन्य कलाकारों ने किया। जैसे कोलगेट अपना स्वाद नहीं बदलेगा टूथपेस्ट क्योंकि वो बिकता है, ऐसे कई बड़े कलाकार अपने लाजवाब फॉर्मूले पर अड़िग रहकर पूरी जीवन ही उसे और लोकप्रिय बनाते थे और उसमें सुख संतोष भी पाते थे। उन जमाने के बुजुर्गों का आक्षेप था कि कुमार जी का ख्याल गायन सिलसिलेदार नहीं है, बीच में कहीं वो किसी और दुनिया में खो जाते हैं और उसी में अटकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता होगा और इसके कुछ सबूत भी मेरे पास रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध है। ऐसा क्यों कहा जाता होगा इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कुमार जी का संगीत विचार पर यह सत्र आयोजित है। उन दिनों गायन के विस्तार के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अला बोल अला बोलतान आदि अंगों का और उनके उप प्रकारों के 8 अंगों को अष्टांग कहते हैं। घरानेदार गवैये इन सभी अंगों का या उनमें से कुछ चुनिंदा अंगों को निश्चित करके उनका हर हमेशा अपने ख्याल गायन में समावेश किया करते। अब ये गायक बैठे तो ये करेगा, ये लोगों को पहले से मालूम होता था। ऐसा कुछ भी कुमार जी के गायन में नहीं होता था, यह था प्रमुख आक्षेप। इसे अधिक स्पष्ट करता हूं, वास्तव में उनके सुरीलेपन से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस पहल इतना होता था कि ये बोलता नहीं कर रहा तो किसी को खलता नहीं था, पर आक्षेप लेने वालों ने लिया छिद्रान्वेष। वामनराव जी ने, मेरे पिताजी ने लिखा है कि अब्दुल करीम खां की जाति की नहीं मगर उसी स्तर की श्रुतियां केवल कुमार के गायन में पाई जाती हैं। लेकिन कुमार जी किराने घराने वालों की तरह एक एक स्वरों को अन्य स्वरों कणे से हौले हौले सहलाते हुए उनकी क्रमवार बढ़त नहीं करते, उनकी लयदारी लाजवाब है, यही सभी को मंजूर था। लेकिन अन्य घरानेदार गायकों की तरह वे देढ़िया दुगुन वाली लयकारी करने नहीं बैठते। अब मैं बोलदान शुरू कर रहा हूं, ये घोषणा हमने नहीं की। कभी किसी बंदिश को खोलते हुए, उस बंदिश के मिजाज को देखते हुए या अपने उस समय की भावावस्था मूड को अहमियत देते हुए तान नहीं के बराबर लेते थे या कभी बोलता नहीं करते थे, कभी केवल आलापों से काम चलता और हम उनके पीछे बैठे होते, उनकी तान तो जबरदस्त थी। हमें लगता था कि गुरुजी तान लेकर छा क्यों नहीं जाते, पर उनके हिसाब से वो आवश्यकता नहीं थी उसकी। जैसे एक छोटा बच्चा अपने सब खिलौने बताता है दूसरे, मेरे पास ये भी है, बारबी डॉल भी है, ये भी है। ऐसे अष्टांगों का प्रदर्शन सिलसिलेदार करने वाले गायक मैंने बहुत देखे हैं, पर दो विभूषण और 80 साल के ऊपर से भी वो सब खिलौने की मुद्रा आला पर प्रभुत्व है, बोलतान पर प्रभुत्व है, बोल आला पर प्रभुत्व है, तिहाई पर प्रभुत्व है, दमक पर प्रभुत्व है, ये सब इसका प्रदर्शन होता है। और वो सुंदर ढंग से किए तो बड़ा कर्णमधुर भी लगता है। कभी कुमार जी कंचन पीछे का रही है काने कुंडला जैसी अडाड़े की राग की बंदिशे तानों के भरमार से ही सजाकर खोलते थे। वो तान में टिकते थे, 5-7 मिनट तान में टिकना बगैर रिपीट आसान काम नहीं है।
बंदिश को बार बार दोहरा कर और बंदिश के शब्द खंडों की भी बार बार आवृत्ति कर वे राग का पौधा और बंदिश की कली को वे स्वाभाविक ढंग से पल्लवित पुष्पित होने देते थे। कुछ आक्षेपों का जिक्र करता हूँ। एक बार पिताजी की उपस्थिति में भीमसेन जी और कुमार जी में उत्तेजना भरी चर्चा संगीत के प्रस्तुति को लेकर छिड़ गई, उसका मैं गवाह था। चर्चा के दौरान भीमसेन जी कह रहे थे, सुनो कुमार, मैं गायक हूं। सुनो कुमार, मगर तुम गायक हो, नायक हो और वाद्यकार भी हो। मैं जब तो इसका मतलब उनको प्रिय करी अभिप्रेत था, अन्य अर्थ अपेक्षित नहीं था मुझे। पिया तो जब मैं कहता हूं तो मानत नाही, ये सब श्रोतागण अपने मन में गुनगुनाए, ये मेरी अभिलाषा होती है। तुम्हारे गायन में ऐसा होता ही नहीं है, कौन तुम्हारा गाना सुनेगा? वामनानंद जी और मैं सुनेंगे? कुमार जी ने संयम बरतते हुए बड़ी शांति से और क्षमाशील होकर भीमसेन जी की उक्तियां चुपचाप सुन ली थी। अपने कन्नड़ लहजे की मराठी में एक बार मंथुर जी ने कहा, सुर छल लग पर गायकी पुड़ है। मतलब क्या? सुर अच्छे लगा जब गायकी का प्रदर्शन कहा है, ये उन दिनों के उनके कमेंट्स हैं। अरुण कर गुआ कह पड़े, कुमार गायन के बीच ऐसा उखड़ता है जैसे तृप्ति का भाव बनाए स्थिर मुद्रा में बैठे हुए गणेश जी अकस्मात हाथ में स्थित मोदक पटकते और तलवार धरकर वार करते। एक शमसुज जमा थे आमिर खान साहब के बड़े चहेते, कलकत्ता में उनके पास शहर आमिर खान साहब भी थे। मुझे आमिर खान साहब ने कहा, कुमार का सुर ले, बाकी कुमार चिल्लाता है, क्लासिकल नहीं गाता, क्लासिकल नहीं करता। केसर भाई को उनके प्रति बहुत अच्छी संवेदनाएं थी, वह पिताजी को पूछते कुमार सकाय चल रहे हैं। रविशंकर जी को बहुत उनके प्रयोगों में रुचि थी। देखिए जो विचार कुमार जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया, जो आज भी विचार नहीं है, वो यह है कि राग की बढ़त करते हुए धुन को अहमियत देकर उसे अनुरूप अष्टांग के कुछ अंगों को उपयोग में लेना चाहिए या फिर राग को अष्टांग के सुनिश्चित क्रमबद्ध ढांचे में डालकर गाना चाहिए, यह वो प्रश्न है जिसका हर संगीतकार अपने अंदाज को से उस पर सोचे। संक्षिप्त में, गाने के लिए अष्टांग है या अष्टांग के उत्कट प्रदर्शन के लिए गाना, ये प्रश्न कुमार जी ने जितनी तीव्रता से उपस्थित किया उसका कोई सानी नहीं है। अपने गायन में बढ़त के नाम पर निश्चित दांव कसने वाले और घिसे पिटे पेच डालने वाले कई गायकों को कुमार जी के गायन में अष्टांग का क्रमवार प्रेडिक्टेबल सिलसिला मिल नहीं पाता था, फिर भी कुमार जी का पराकाष्ठा का सुरेलापन और अत्यंत कलात्मक लहजारी से उपजा कुमार जी के गाने का स्पेल अद्भुत था। सबकी बोलती बंद हो गई थी, उनके कामणगारी की चपेट में सभी श्रोता आ जाते थे। पर कुछ कुछ लोगों को अचंभा होता था कि कुमार जी चल पड़े हैं, वह कौन सी दिशा का आमंत्रण है? वो राह गुड़रंगे परिसर होने का संकेत तो देती है मगर मंजिल नहीं दिखाई देती। मुझे लगता था कहीं दूर बहुत ऊपर एक अलग ही दुनिया में जाकर वह सौंदर्य की संदिग्धता बटोर रहे हो। कुमार जी की बंदिशों पर ख्याल के प्रांगण में प्रवेश के लिए आवश्यक पासपोर्ट की तरह केवल उन्होंने बंदिशों का उपयोग नहीं किया। ये बंदिशें जो गायक कहते हैं उन पर उनका ही प्रेम नहीं होता है। अच्छा, वो बंदिशें बुरी भी नहीं होती और बहुत अच्छी भी नहीं होती कि जिसके मुंह में गायक स्वयं अटक जाए, तो पासपोर्ट की तरह यूज करने से अपना जिस अटक ऊपर प्रभुत्व है वो चिपकाते हैं। जैसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी औसतन पंजाबी होटल में आप करेला ऑर्डर कीजिए या भिंडी, वो उसी ग्रेवी में डालेंगे। उसी तरह हर राग पड़ती हो, बिहागड़ा हो कि मियां मल्हार हो, ग्रेवी तैयार है। बंदिश को भूल गए कुमार जी अपने संपूर्ण गायन के दौरान उन बंदिशों की आइडेंटिटी
कंठभूषण की तरह लगातार और सातत्य से बरकरार रखते हुए उसे कंठभूषण के उस कंठभूषण के पहलू दोहरा कर अपने गायन में उजागर करते थे। अपने गायन में इस बंदिश की आइडेंटिटी को उन्होंने कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं किया। उनके गायन में पूरे स्थाई अंतर की कई बार आवृत्ति तो होती ही थी, परंतु बढ़त करते समय भी बंदिश के बोल खंड खंड में गाते हुए ही उनका स्वर वाक्य और आवर्तन रचा जाता था। पुराने ग्वालियर के गवैयों की यही पद्धति थी। नीला ने भी उसके पुस्तक में लिखा है कि ये बोल अलग का गाना है ग्वालियर का, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। कुमार जी के गायन में ख्याल भी धीरे धीरे स्वाभाविक तरीके से खिलता हुआ एक सॉन्ग प्रतीत होता था। ये सॉन्ग के लिए मुझे हिंदी में या मराठी में अभी तक शब्द नहीं मिला। ऐसे जैसे मतलब वो सॉन्ग यानी वो सॉन्ग रहता है, एक वो सॉन्ग का तान कर इतना रबर फैलाते हैं अष्टांग के नाम से, इतना लंबा कर देते कि वो रबर फिर से अपनी स्थिति पर लौटता ही नहीं। तो सॉन्ग में एक रबरत्व होता है कि मैं कॉइन में बंदिश में छिपे काव्य के शब्दों का तो वे आनंद उठाते ही थे, पर ऐसा लगता था कि भाषिक अर्थ से आगे निकलकर उस बंदिश के शब्दाक्षरों की खूंटी बनाकर उसका आधार लेकर अलग अलग स्वराकारों के तंबू वे स्वरावकाश में ताने जा रहे हैं। स्पष्टता सादगी व मासूमियत से भरी कुमार जी की बंदिश अर्थात तिरुभाव को समाई हुई अनायास मन को छू लेती है। एक अनोखी लिट लयकारी उनके बंदिश में प्रतीत हुई जो पुराने बंदिशों में नहीं मिली। ऐसा है विद्याधर जी, मेरे भी अनुभव लेने की एक सीमा है और मेरे इस समय जो दुनिया आई है उस पर ही मैं मेरे ये वक्तव्य कर रहा हूँ। अष्टांग के 8 गहनों को अष्टौ प्रहर पहनकर उस नकली श्रृंगार का प्रदर्शन करने का उन बंदिशों का स्वभाव नहीं है। आज भी उनकी बंदिशों को यह अष्टांग चिपकाए हुए सुहाते नहीं है, यह वस्तु स्थिति है। अब यह गुण है या अगुण, यह तो जिसे जैसे उचित लगे वैसे वह निश्चित करे। एक बालक को जिस तरह से एक एक कर सभी खिलौने दूसरे बालक को दिखाता है, उसी तरह ख्याल करते समय अष्टांग अथवा उसके एक के बाद एक पूर्व निश्चित कुछ अंग क्रमवार दिखाने के आदि हो चुके गायकों को कुमार जी की बंदिशें गाने की इच्छा नहीं हुई। मेरी तारीफ और 2-4 मिनट होंगे इसमें, हमारी तालीम शुरू हुई बचपन से फिर उनके मृत्यु तक में मेरी उनकी सोहबत तो बनी रही, पर जब मैं गया उधर 72 में तो हमारी तालीम शुरू हुई। तालीम के बाद शनिवार और इतवार को सवेरे शाम वसुताई मुकुल, मैं, इंदौर के किरकिरे लोंडे और भोपाल से आई तो मिला राव, ऐसे हम सब लोग सीखने बैठते थे। यह तालीम राग संगीत की हुआ करती थी। किसी राग का ख्याल उसका नोटेशन सामने रखकर उस बंदिश की बारीकी आवे 2-4 बार गा देते थे और उसे दोहरा कर याद करने कहते थे। इस दौरान वे बाहर बगीचे में सैर सपाटा करके आते थे 5-10 मिनट में, फिर उनका और हमारा क्रमशः आवर्तन भरने का, बांधने का और वह बांधकर सब पर आने का सिलसिला जारी रहता। काबिले गौर बात यह है कि सिखाते वक्त उन्होंने अष्टांग पर प्रभुत्व होना पर कटाक्ष किया, पर खुद गाते समय वो अपने अंदाज में जाते थे। अष्टांग को उन्होंने कोई एक वायरल इन्फेक्शन नहीं समझा, अपने शरीर का अंग समझा। और सिखाते सिखाते फिर जिन महानुभावों का, जिन महान गवैयों को उन्होंने सुना था बचपन में या बाद में, उन प्रतिभावान कलाकारों की स्पिरिट का उनमें संचार हो जाता था। मिसाल के तौर पर राग विहार की तालीम चल रही है, ख्याल सिखाया जा चुका है, अष्टांग भी का भी परिचय वो दे चुके हैं। अकस्मत विहार की चोरिया बार बार कर कवे, चोरिया बार बार कर कवे, और चोरिया बार बार कर कवे, सुर जनवा सुर जनवा। आगरा घराने में मूल मुखड़े को के अलावा अन्य कई स्वर पंक्तियों में मुखड़े
मुखड़े बनते जाते हैं, इसको मुखड़ा बंदी कहते हैं। ये बात मुझे किसी आगरे वाले ने नहीं बताई, कुमार जी ने बताई। सूरज नवा तिहारे बोलन बिन निज दिन कारण छदियार काज चुदिया पर बदरा नहीं करता। अकस्मात उन्हें ग्वालियर घराने के सप्तक दृढ़ सप्तक दीर्घ स्वरों के लफ्फेदार ऊंचे स्वरपुंज अपनी देह पर धरकर अर्ध पूर्ध होते रहने वाले आलापो किया था। कभी वो राजा भैया पूछवा ले जिसे पता नहीं हो अजित पूंछ एक शहर का नाम है, वो अपनी धूम दबाए नहीं बैठे। राजा मुझे पूछवाने से प्राप्त तराना सजाकर उस रचना की सादगी कितनी कलात्मक है, कीमती है और व्याकरणों के नियम बहुत ही पुख्ता हुए उसके पहले की यह बंदिश है। रियाज की अति होने से अलादिया खाके गले में से मिंट का निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने किस तरह एक नई गायकी का सृजन किया। ये मिंट जब लुप्त हो गए तो अलादिया खा के लिए उनकी दाद निकल जाती थी। बूढ़ा बड़ा बदमाश। यह वीकेंड की तालीम के इतना ही हमने विद्या ग्रहण किया उनके डाइनिंग टेबल कर की कुर्सी पर जो वो आसन जमा देते। दिन का अधिकांश समय कुमार जी अपने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर अपना मूल कमल दृढ़ करके आसन बांधते थे और कभी उल्टी पवन भी चला देते। खासकर जब भातखंडे मिराशे बुआ राजा भैया भोजवाले आदियों की स्वरांकित की हुई बंदिशों की वो छानबीन करते थे। उन बंदिशों को कभी वे सुधारते तो कभी उनमें छिपी सुरों की भंगिमाओं पर कटाक्ष करते। ये सब करते समय वे गुनगुनाते रहते थे और हमें बंदिशें याद हो जाती। अपने कार्यक्रम के लिए जब वे मेन्यू तैयार किया करते थे तब हर एक बंदिश लिखने के लिए वे अलग अलग रंग की फेल्ट पेन का उपयोग कर लिखते थे और गुनगुनाते हुए लिखते थे। वो गुनगुनाने में तय करते थे कि आज उन बंदिशों को किस तरह गाकर सुनाना है।
किस अंग से गाकर सुना है, उन्हें सुनते हमें भी बंदी जी याद हो जाती थी, मतलब वह मुकुल और वसुदेव। परंतु जब हमें सिखाई हुई चीजें वे स्वयं महफिल में आत्ममग्न और एकाग्र चित्त से गाते हुए, तब गायन के चतुर तर्कों से शब्दों और सुरों के परे कहीं दूर ऊपर एक अनोखी अनिर्वचनीय दुनिया में वे ले जाते थे। एक ट्रांस में खोकर जब वे गाते, तब धुन सुन के मनवा मगन हुआ वाली स्थिति भी प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होती थी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हो यह मेरी अभिलाषा थी, लड़का या उम्र थी, ऐसी सिद्धि प्राप्त मेरी अभिलाषा थी। पर मेरी इस उद्दंडता भरी मांग को कुमार जी ने कोई तुल नहीं दी। अगौर सुधो ना, आज समझ में आता है कि यह बात शायद सीखने सिखाने की नहीं है। अपने संगीत यात्रा अगर उस पड़ाव तक पहुंची तो यही गायक की कोशिश रहती है। आखिरी पन्ना है। इस दौरान एक बहुमूल्य यथार्थ मेरे सामने आया। अनिर्वचनीयता की तरफ जाने वाले, समा बांधने वाले उनके गायन का रॉ मटेरियल ग्वालियर घराना ही था। पारंपरिक शास्त्र नियमों पर ही आधारित था। भले ही उन नियमों में उन्होंने कुछ फेरफार किए हो, कुछ स्वर संगतियों को सुधारा हो, पर यही उनका बेस था। इससे मुझे बहुत सांत्वना और आगे के गान प्रवास के लिए कभी न खत्म होने वाली द्रौपदी की थाली मिली। इस दौरान मेरी आवाज, मेरा भाव विश्व, मेरी मनोवृत्ति सब कुमार जी से भिन्न होने का एहसास मुझे हौले हौले होने लगा था। कुमार जी के गायन में ध्वनि था और मेरे गले से वॉइस। उसे नाद ही नहीं था, अनुरण ही नहीं था। तो कुछ मैं अलग है ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा था। तो मैंने आदर्श गायक होने की अभिलाषा में एक मेरे लिए टाइम टेबल बनाता है, जैसे स्कूल में लोग दिनक्रम बच्चे बनाते हैं ना, कि स्वयं की स्पेस मैनेजमेंट का परिचय देते हुए ताल के आवर्तनों की उत्स्फूर्त रचना करने की कोशिश करना। रागरूप और बंदिश के सौंदर्य विचारों के बारे में मुझमें अगर कुछ संवेदनाएं उभर रही हो तो उन्हें स्वीकार करना। जहां नई बंदिशें बनाने की गुंजाइश है वहां स्वयं को मौका देना। कालज ही कुमार जी ने यही सब कुछ कर पारंपरिक कला मूल्यों का पुनरुज्जीवन किया था। किसी भी शिष्य के लिए यही सब अपने सांगीतिक भाव विश्व से प्रामाणिक रहकर करने के सिवाय और चारा ही क्या हो सकता है। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। अब हमारी मुकुल की और मेरी सांगीतिक समस्या में कुमार जी को शून्य रुचि थी। क्यों सुने अर्जे मस्तरे मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता। पर बात जरूर है कि वे मुझे याद आते हैं जब कोई दूसरा नहीं होता। धन्यवाद।